तो दोस्तों फाइनली हमारा जो है डिस्क ब्रेक कंप्लीट हो गया है, जैसा कि देख रहे हैं। ये देखिए, और बरसात का मौसम भी है और वीडियो शूट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो फाइनली जो है ये देखिए, वाह क्या गजब का एकदम डिस्क ब्रेक काम कर रही है, देखिए एकदम फर्स्ट क्लास, कोई भी दिक्कत नहीं है। हेलो गाइस, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल राज में। सो दोस्तों, हम एक साइकिल मैकेनिक है और हमारे चैनल पे साइकिल रिलेटेड नॉलेजफुल वीडियो मिलता है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और ख़ास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों हमारे पास देसी 22 इंच का साइकिल है, जैसा कि देख रहे हैं। और ये देसी 22 इंच का साइकिल में हम क्या करेंगे कि डिस्क ब्रेक फिट करेंगे। अभी मजा आएगा ना वीडियो, किस तरह से डिस्क ब्रेक हम फिट करते हैं और कैसे करेंगे, सारा चीज़ आप लोगों को फुल डिटेल्स में ये वीडियो में देखने को मिलेगा। और मज़ा भी बहुत ही ज़्यादा आएगा और नॉलेज आप लोगों को भरपूर मिलेगा। आप लोग के पास अगर 22 इंच का साइकिल है तो 22 इंच का साइकिल में डिस्क ब्रेक कैसे आप लोग इंस्टॉल करवा सकते हैं या फिर खुद ही कर सकते हैं, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को फुल स्पीड में शुरू करते हैं। साइकिल को उल्टा कर लिए हैं, दोनों ही साइड का ब्रेक क्लिप को खोलना है। इस तरह से ठोकेंगे, आराम से ब्रेक क्लिप खुल जाएगा। ये देखिए, ब्रेक क्लिप खोलने के बाद दोनों ही चक्का नट को खोल लेना है इस तरह से, और ये चक्का आपका बाहर आ जाएगा। ये देखिए, फ्रंट चक्का हमारा बाहर आ गया। चक्का खोलने के बाद अब हम जो है डिस्क रोटर को पहले व्हील में इंस्टॉल करते हैं, फिट करते हैं। तो चलिए, ओहो सो दोस्तों रोटर तो इंस्टॉल नहीं हो रहा, चलिए दोनों साइड में। ओहो सो दोस्तों, मेन रीज़न ये है कि ये थ्रेड सिस्टम, ठीक है, रोटर जो होता है थ्रेड वाला होता है, तो यहाँ पर थ्रेड नहीं है ये हब में, तो इस पर थ्रेड हम कैसे बनाएंगे, आइडिया इसके रिलेटेड में बहुत सारे ऐसे हमारे डियर सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, जो कि हमें कमेंट भी किए थे कि राजू जी देसी 22 इंच नॉर्मल साइकिल में जो है आप डिस्क ब्रेक इंस्टॉल करके हमें दिखाएं। तो उन्हीं लोग के आधार पर हम ये वीडियो को बना रहे हैं। चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। वीडियो को आप लोग लाइक करते थे, इससे आप लोग का प्यार मिलता है हमें और मोटिवेट होने को मिलता है, और तरह तरह के हम साइकिल रिलेटेड नॉलेज वीडियो और नया नया ला पाते हैं आप लोग के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ पूरा वीडियो देखने के बाद दोस्त लोग को शेयर भी कीजिएगा। सो दोस्तों फटाफट टायर को खोलते हैं। सो दोस्तों ये रहा टायर हमारा, खुल गया। और इधर में जैसा कि देख रहे, ट्यूब का जगह में हम ये फॉर्म को इंस्टॉल किए थे, तो एक्सपेरिमेंट के ऊपर में वीडियो बनाए थे, तो ये वीडियो जो पूरा फेलियर रहा, ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं रहा। तो अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग को हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल को। पूरा स्पोक को कटिंग करके हटाएंगे, हब स्पोक और रिम अलग करते हैं। सो दोस्तों सारा स्पोक हम कटिंग कर लिए हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, सो दोस्तों फाइनली हमारा चक्का जो है बन के रेडी हो गया, जैसा कि देख रहे हैं। तो न्यू स्पोक हम लगा दिए हैं, हब 40 होल का लगा दिए हैं, रिम भी हम 40 होल का लगा दिए हैं। अगर आप मैकेनिक है तो आपको ये चीज़ मालूम होगा कि देसी 22 इंच का साइकिल में आपका पीछे साइड में 40 होल का स्पोक और रिम रहता है, और आगे चक्के में 32 होल का स्पोक और रिम रहता है। तो आगे चक्का का जो है हम टोटल कंप्लीट हटा दिए हैं, और इसमें हम पीछे चक्का का रिम हब स्पोक लगा दिए हैं। और जैसा कि देख रही है, आपका थ्रेड वाला हब हो गया, और इसमें हम बॉटम ब्रैकेट का एक रिंग इंस्टॉल कर दिए हैं, लगा दिए हैं, जैसा कि देख रहे हैं ये बॉटम ब्रैकेट का रिंग है। तो ये लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो है रोटर इंस्टॉल करेंगे, डिस्क ब्रेक का रोटर अच्छे से कंप्लीट हो गया, फिक्स हो गया है। अब इसमें हम टाइट ट्यूब बिठाएंगे। टाइट ट्यूब बिठाने से पहले ये जो फॉर्क आप देख रहे हैं, तो फॉर्क का सेटिंग मिलाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो व्हील है, व्हील इस तरह से फिट होगा, चक्का इस तरह से फिट होगा, और डिस्क बॉक्स को फिट करना होगा, यानी डिस्क जो मशीन होता है। तो जैसा कि देख रहे हैं ये आपका डिस्क मशीन हो गया, तो डिस्क मशीन को अब हम इसमें जो है इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। साइकिल में किस तरह से करेंगे, इसका सेटिंग क्या रहेगा, और किस तरह से आप लोग कर सकते हैं अच्छे से, ये चीज़ को समझे और देखें, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे, डिस्क ब्रेक इजीली इंस्टॉल हो जाएगा, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं आएगा। तो दोस्तों इस तरह का आपको एक पत्ती लेना है, जैसा कि देख रहे हैं। पत्ती लेने के बाद फिर आपको इस तरह का कटिंग करवा लेना है। कटिंग करवाने के बाद दो होल आपको मिला करके यहाँ पर दो होल कर लेना है। डिस्क मशीन जो रहेगा उसमें आपको इस तरह से नापी लेना है, जैसा कि देख रहे हैं, ठीक है। ये नापी हो गया, और इस तरह से पत्ती को रखना है, और दो होल का आपको जो नापी लेकर के दो होल कर लेना है। इस पत्ती को इस तरह से बना लेना, जैसा कि देख रहे हैं हम बना करके रखे हुए हैं, ठीक है। इस तरह से बनाने के बाद फिर आपको जो है डिस्क बॉक्स में आपको इस तरह से फिट करना है, डिस्क मशीन में। चलिए फटाफट फिट करते हैं, फिर आप लोग को आगे का प्रोसेस बताते हैं। सो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं, पत्ती को हम अच्छे से डिस्क मशीन में फिट कर दिए हैं, ये देखिए फिक्स कर दिए हैं। तो दोनों ही नट को आपको फुल टाइट देना है, इस तरह से पहले कंप्लीट कर लेना है। तो जैसा कि देख रहे हैं हम चक्का भी फिट कर दिए हैं फॉर्क में। अब डिस्क मशीन को हम यहाँ पर जो है फिक्स करेंगे, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह से। तो फिक्स करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ का जो सेटिंग होता है ये सेटिंग को पूरा क्लीनली मिलाएंगे, उसके बाद जो है यहाँ पर हम वेल्ड करेंगे ये पत्ती को। सो दोस्तों एक इसमें आपको प्रॉब्लम आ गया, डिस्क ब्रेक जैसे हम इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं डिस्क मशीन को, तो ये जो पत्ती हम लगाए हैं, तो ये जो लेंथ होता है पत्ती का, ये जो चौड़ाई वाला, ये आपका जो छोटा पड़ गया है, तो हम ये चौड़ाई को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर फिट करेंगे।
दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं डिक्स रोटर और डिक्स बॉक्स को अच्छे से हम सेटिंग मिला लिए हैं। ये देखिए तो यहाँ पर जो पत्ती भी हम कटिंग कर दिए हैं और जिस तरह से सेटिंग मिलता है उस तरह सेटिंग को मिला दिए। ये देखिए चक्का जैसे हम घुमा रहे हैं, ये देखिए डिक्स बॉक्स भी ऊपर जा रहा है। तो इस तरह से आप लोग को भी मिला लेना है जैसा कि देख रहे हो। ये देखिए एक वायर हम जो है ये कर दिए ताकि डिक्स बॉक्स जो है हमारा अच्छे से रोटर के साथ में फिक्स रहे और यहाँ पर जब हम वेल्ड करेंगे तो एक्यूरेट कम्प्लीट और सही से वेल्ड हो और इसका जो अलाइनमेंट है वो सही रहे, बिगड़े ना। अलाइनमेंट अगर वेल्ड करते समय बिगड़ जाएगा तो फिर ये जो रोटर है सही से काम नहीं करेगा, ब्रेक सही से वर्क नहीं करेगा, हमेशा जो है टच करेगा और चक्का आपका जाम चलेगा। तो यहाँ का सेटिंग मिलाना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो इस तरह से सेटिंग इसका मिला लेना है जैसा कि देख रहे हैं। अब चलिए इसमें वेल्ड करते हैं। फाइनली हमारा डिस्क ब्रेक जो है अच्छे से इंस्टॉल हो गया है, कंप्लीट हो गया जैसा कि देख रहे हैं। और पत्ती जो हम वेल्ड किए थे वो भी अच्छे से घिसाई वगैरह कर दिए हैं। अब थोड़ा सा कलरिंग वगैरह कर देंगे और वायर को फिट करेंगे और आपका जो है ब्रेक क्लच वगैरह सारा चीज़ कंप्लीट करेंगे। तो थोड़ा सा काम और बाकी है तो यहाँ का सेटिंग एक बार और थोड़ा सा मिलाना पड़ेगा। तो चलिए ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप लोग को अच्छे से दिखाते हैं और बताते हैं। सो दोस्तों डिस्क ब्रेक हमारा अच्छे से इंस्टॉल हो गया है देसी 22 इंच का साइकिल में जैसा कि देख रहे हैं। मशीन का भी सेटिंग हम मिला दिए हैं और डिस्क रोटर का भी सेटिंग मिला दिए हैं और चक्का को भी हम अच्छे से फिट कर दिए हैं फॉर्क में जैसा कि देख रहे हैं, टाइट ट्यूब भी लगा दिए हैं। तो आज है नेक्स्ट डे दोस्तों और आज देखिए कितना ज़्यादा बरसात हो रहा है, जरा सा भी बरसात रुकने का नाम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बरसात हो रहा है। इधर हम पानी ठहरने का वैसे जो है हमारा काम नहीं हो पा रहा, तो हम साइड में भी काम कर रहे हैं। साइकिल सीधा करने के बाद ये हैंडल का ग्रिप को निकालना है जैसा कि देख रहे हैं। ये देखिए हम हैंडल का ग्रिप को निकाल दिए, ये हैंडल का ग्रिप हमारा जो है फ्री था इसलिए जो है आसानी से निकल गया। तो अब हम इसमें एक क्लच लगाएंगे जैसा कि देख रहे हैं, रेंजर साइकिल का ब्रेक क्लच है तो ये आपका आसानी से फिट हो जाएगा जैसा कि देख रहे हैं। ये देखिए हैंडल में हम इस जगह में फिट करेंगे, यहाँ पर आप कहीं पर भी फिट कर सकते हैं जहाँ आपको सुविधा लगे। एम एलंकी स्पैनर लेने के बाद इस तरह से नट को जो है टाइट करेंगे। ये देखिए सो दोस्तों ब्रेक का सारा सामान फिट कर लेने के बाद, कंप्लीट कर लेने के बाद फिर आपको ब्रेक को इस तरह से प्रेस करना है। ब्रेक को प्रेस करते समय इस तरह से आपको आगे की ओर करना है, प्रेस करना है ठीक है, इस तरह से ठीक है। इससे क्या होगा कि ये रोटर अगर आपका लूज रहेगा तो टाइट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, फिर दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप ब्रेक मारेंगे ब्रेक आपका सही से रहेगा। ये देखिए तो अब हम क्या करेंगे, ये मशीन का थोड़ा सा सेटिंग को मिलाएंगे। किस तरह से मिलाएंगे, पहले हम आप लोग को चक्का घुमा के दिखाते हैं फ्री है कि नहीं है जैसा कि देख रहे। ये देखिए चक्का हमारा फ्री है एकदम ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ब्रेक को प्रेस करेंगे इस तरह से। ब्रेक को प्रेस करने के बाद ये जो दोनों नट आप देख रहे हैं ठीक है, डिक्स बॉक्स का ठीक है, डिक्स मशीन का ये जो दोनों नट है, ये दोनों नट आपका 5mm एलंकी से फुल टाइट देना ठीक है। हालांकि फुल टाइट आपका है लेकिन आपको एक बार लूज करके फुल टाइट देना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आपको लूज करना है फिर आपको फुल टाइट देना है। तो चलिए फटाफट पहले दोनों को फुल टाइट दे लेते हैं। ये देखिए हमारा फुल टाइट एक हो गया, आप दूसरा फुल टाइट देते हैं। तो आपको पहले फुल टाइट नहीं देना ठीक है, सारा काम कंप्लीट करने के बाद जब आप देखेंगे सारा काम हो गया जिस तरह से दिखाएं बताएं उससे कंप्लीट कर नहीं। देखिए फुल टाइट दे दिए और ये देखिए डिस्क ब्रेक भी हमारा सही से वर्क कर रहा, सही से काम कर रहा, हालांकि लूज बता रहा, तो इसे हम टाइट करते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों फाइनली हमारा जो है डिस्क ब्रेक कंप्लीट हो गया है जैसा कि देख रहे हैं। ये देखिए और बरसात का मौसम भी है और वीडियो शूट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो फाइनली जो है ये देखिए वाह क्या गजब का एकदम डिस्क ब्रेक काम कर रहा है। ये देखिए एकदम फर्स्ट क्लास, कोई भी दिक्कत नहीं है जैसा देख रही है। देखिए और इसमें जो है दोस्तों एक खासियत क्या है, डिस्क ब्रेक जब हम इंस्टॉल किए तब हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं इसमें हम डिस्क ब्रेक तो इसमें इंस्टॉल करवे किए हैं, इसमें डिस्क ब्रेक भी है और इसमें जो नॉर्मल ब्रेक रहता है इसका ओरिजिनल वाला पावर ब्रेक वही है आपका। ये देखिए साइकिल में तो हालांकि इसका ब्रेक पैड वगैरह ख़राब हो गया है ये साइकिल का, तो इसमें जो है डबल ब्रेक आपका हो चुका है। ये देखिए एक आपका डिस्क ब्रेक और एक आपका इसका जो नॉर्मल ब्रेक है पावर ब्रेक वो है ठीक है। तो यही सबसे बड़ा एक खासियत है, डिस्क ब्रेक भी हमारा सही से फिट हो गया है। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं। ये देखिए वाह क्या मस्त काम कर रहा है डिस्क ब्रेक। दोस्तों अब हम फुल स्पीड में आ रहे हैं जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पर डाउन भी है और ये देखिए हम डिस्क ब्रेक का यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए वाह क्या मस्त रुक गया एकदम, ये देखिए कोई भी दिक्कत नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। फाइनली दोस्तों हम आप लोग को अच्छे से डिस्क ब्रेक इंस्टॉल करके दिखा दिए देसी 22 इंच के साइकिल में किस तरह से आप लोग डिस्क ब्रेक इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बाय लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, अगर आपको ऑफलाइन डिस्क ब्रेक मिल जाता है ज़्यादा बेस्ट, अगर ऑफलाइन नहीं मिल पाता है तो आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। और दोस्तों ये डिस्क ब्रेक का सबसे बड़ा एक खासियत हम आप लोग को बता ही दिए कि डबल ब्रेक अब हमारा इसमें हो गया, कोई भी
दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आपको कहीं पर भी कोई भी ऐसा अगर प्रॉब्लम होता है तो हम डिस्क ब्रेक के ऊपर में ऑलरेडी डेडिकेट वीडियो बना चुके हैं, बहुत सारा सेटिंग के बारे में बताए हैं। अगर आप देसी 22 इंच का साइकिल या फिर 20 इंच का साइकिल में डिस्क ब्रेक इंस्टॉल करना चाहते हैं या फिर करने वाले हैं हमारे ये वीडियो को देख करके, तो सेटिंग का सबसे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि सेटिंग ही एक ऐसा है कि आपका डिस्क ब्रेक में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा और डिस्क ब्रेक आपका सही से वर्क करेगा, सही से काम करेगा, जिस तरह से हमारा कर रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सेटिंग का ध्यान दें, अगर सेटिंग में कोई भी ऐसा अगर आप लोग को प्रॉब्लम होता है, इस वीडियो में हम आप लोग को जिस तरह से दिखाएं बताएं उस तरह से कंप्लीट कर लेना है, हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अदरवाइज सेटिंग में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करें, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो आप लोग को मिल जाएगा डिस्क ब्रेक के रिलेटेड में और एक एक सेटिंग को आप लोग जान सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों लोग को शेयर भी कीजिए, क्योंकि जिस तरह से वीडियो आपका काम है उस तरह अदर व्यक्ति का भी आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेज वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।